हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर प्लेटफॉर्म। और फाइनली यहाँ पे मेहनत लंग लाई है और यहाँ पे फाइनली जो है एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं EPFO SSA रिक्रूटमेंट के। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे, अभी सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी और 15,000 से 20,000 लोगों ने वीडियो पे देखा। काफ़ी कमेंट्स आए यहाँ पे कि कैसे डाउनलोड होगा, क्या चीज़ होगा, तो यहाँ पे सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, किस लिंक से आपको करने वाला ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके कल जो एग्जाम, यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, जो मैं लिंक देने वाला हूँ ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और जब आप लिंक पर उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको साफ तौर पर लिखा रहेगा। पहले क्या लिखा होता था यहाँ पे कि जो एडमिट कार्ड्स हैं, दिस इज नॉट द ऑफिशियल एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड होता था इस पेज पे, लेकिन अभी जो है EPFO की तरफ से यहाँ पे जो है ये अब एडमिट कार्ड लिख के आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मंथ और ईयर डाल देना, सिक्योरिटी पिन आप जैसे ही डालेंगे। अब सिक्योरिटी पिन का इशू जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, इशू तो अभी नहीं आ रहा है, यहाँ से 2 से 3 लोगों ने मैंने अभी कॉन्टैक्ट किया, सबके यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आप में आ रहा है तो कॉमेंट करके आप बताइएगा कि सिक्योरिटी पिन में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो जो एडमिट कार्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको शो होने वाला है, जहाँ पे मैं सबको आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ऑफिशियल पेज पे आएंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन मिलेगा, एडमिट कार्ड प्रोविजनल यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा, यहाँ पे आपके रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, जेंडर है, कैटेगरी है, सब कुछ, एप्लीकेशन नंबर, मदर फादर नेम, सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर और साइन वगैरह भी आपकी दी रहेगी, ठीक है। फिर आगे चलेंगे यहाँ पे तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, जिसका एग्जाम चल रहा है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी की यहाँ पे पेपर्स है, और किस दिन को पेपर है वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, कहाँ पर आपका सेंटर गया वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, और किस शिफ्ट में आपका पेपर है ये भी यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो लिखा रहेगा, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है वो लिखा रहेगा, और टाइमिंग ऑफ यहाँ पे टेस्ट क्या है ये भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जो है तुरंत डाउनलोड करिए, और टेलीग्राम लिंक भी है वो भी ज्वाइन करिए, कोई अपडेट्स के लिए आएगी तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिएगा तो उसका आपको समाधान जरूर मिलेगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, 18 को पेपर है और यहाँ पे 16 है, मीन्स परसों ही पेपर है, और अभी तक कुछ यहाँ पर डिटेल पता नहीं कैसे आने जाने का, ट्रांजैक्शन सब कुछ काफ़ी दिक्कत थी। तो प्लीज़ इसको, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।